हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो BA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, और बुक का नाम है आपका BAEL 101, कोड है आपका, और बुक का नाम है इंग्लिश यूजिस। तो ये आपकी बुक है 2023 की। तो इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों, आपको जो है जो ब्लॉक फर्स्ट है आपका, जो यूनिट फर्स्ट सेकंड है, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉन्कट, उसकी वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपके लिए आ गई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाके आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। और उसके बाद आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो होने वाली है ब्लॉक सेकंड, और जो इसके जो ब्लॉक सेकंड के जो यूनिट थर्ड और फोर्थ है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे जाके आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं जो है BA फर्स्ट ईयर की जो बुक की है। और जो आपका ब्लॉक सेकेंड है दोस्तों, इसमें से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा। तो ज़रूर जो है, जो आज का हमारी यूनिट होने वाली है यूनिट 5 पास्ट टेंस, तो इस यूनिट को आपको जो है पूरा देखना है वीडियोस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं यूनिट जो है हमारा जो है 5 जो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पास्ट टेंस में हम आज नॉर्मली जो है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके। तो चलिए जो है सिंपल जो पास्ट टेंस है उस पे चलते हैं। आपका जो ये है 5.5 पे है आपका, सॉरी 5.3 पे है सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है दोस्तों, तो चलिए जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं कि किस प्रकार हम जो है सिंपल जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंसेज हैं वो बनाते हैं। तो चलिए, तो द सिंपल पास्ट टेल अस ओनली अबाउट द पास्ट। जो सिंपल पास्ट टेंसेस है वो हमारे जो जो है सीधा जो है हमें पास्ट के बारे में बताता है। वी आर द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। तो जो एक्शन होता है पास्ट में, उसे जो है स्टार्ट होता है और जो फिनिश्ड होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और स्पेसिफिक टाइम में। Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do not one specific time in mind. तो examples हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है I applied for a job yesterday. मैंने कल जो है job के लिए apply किया। और they didn't play yesterday. उन्होंने कल नहीं खेला। वे कल नहीं खेल रहे थे या कुछ इस प्रकार से होगा। वे कल उन्होंने कल नहीं खेला। Last year I went to Japan. इससे लास्ट ईयर जो है मैं जापान गया। उसके बाद डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात डिनर किया। उसके बाद देखिए, वी यूज द सिंपल पास्ट टू लिस्ट अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, ही कम फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, डाइंड विथ वाइफ एट 8:30 PM एंड वेंट टू मूवी विथ हर एट 9 PM। उसके बाद देखिए, आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। डिड यू एड फ्लोर पोर इन द मिल्क एंड देन एडिड द एग्स। फिर थर्ड, द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब पास्ट फैक्ट्स ऑफ जनरलाइजेशन विच आर no longer true. For examples, तो examples हैं इसके, she was out spoken as a child but now she is very shy. फिर he didn't like ice cream before. फिर people paid much more to make phone call in the past. तो इसके बाद ये examples हैं, ये देख सकते हो। उसके बाद है the auxiliary didn't is used mainly in form क्वेश्चंस एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो जो डिड और डिडेंट का यूज करते हैं, वो या तो क्वेश्चन के लिए करते हैं या हम निगेटिव सेंटेंसेस के लिए कहते हैं। विद द प्रजेंट सिंपल टेंस, और ये जो हम यूज करते ही करते हैं प्रजेंट सिंपल टेंस में, वी यूज डिड डिडेंट इन फिनेटिव। फिर इट इज ऑल्सो यूज इन फॉर्मिंग टैग क्वेश्चन एंड शॉर्टेंट आंसर्स। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सी डिड नॉट गो टू द सिनेमा, वह
पिक्चर देखने नहीं गई या सिनेमा नहीं गई। आई डिडेंट इन्जॉय द पार्टी द लास्ट नाइट, मैंने जो कल रात की पार्टी थी वो इन्जॉय नहीं की। दे डिडेंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वो इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल पाते। तो यहाँ पे जो है इसके कुछ सेंटेंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको खुद करने हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे ये देख सकते हैं, ये आपको खुद करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको खुद करने हैं। उसके बाद है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। टू टॉक अबाउट वट वॉज हैपनिंग एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड टू गिव डिस्क्रिप्शन एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, दिस टाइम यस्टरडे आई वॉज सेंडिंग द ईमेल, ठीक है, कल इस समय मैं ईमेल सेंड कर रहा था। आई वॉज ईटिंग डिनर वेन देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, जब दरवाजे पे कोई था तो मैं जब दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था तो उस टाइम में जो है डिनर कर रहा था। द नॉक ऑन द डोर कम इन द मिडिल ऑफ द मील ऑफ माई मील, ठीक है, तो खाने के बीच में जो है दरवाजे पे किसी ने नॉक कर दिया दरवाजा। टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशन इन द पास्ट, वेन आई वॉज लिविंग इन लंडन आई ऑप्टन वेंट टू द थिएटर, लिविंग इन लंडन वॉज टेम्पली पर हैप्स आई ओनली लिव देयर इज अ शॉर्ट वाइल, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका, वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, वट वॉज सी डूइंग यस्टरडे, वह क्या कर रही थी कल, ठीक है। सी वॉज नाइटिंग न्यू स्वेटर फॉर न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद है उसका आंसर है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। उसके बाद है, इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वट समवन वाज डूइंग एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन बना है आपका, वट वर यू डूइंग एट 7:30 लास्ट नाइट, कल रात आप 7:30 पर क्या कर रहे थे। उसका आंसर आया, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा था। फिर इसी में फोर, ऑप्टेन द पास्ट, इसमें आपका जो फोर है वो है, ऑप्टेन द पास्ट कंटिन्यूस इज मिक्स्ड विद द पास्ट सिंपल टू शो व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन समथिंग हैपेंड। द पास्ट कंटिन्यूस रेफर्स टू द लॉन्गर इवेंट्स एंड द सिंपल पास्ट टू द इवेंट दैट इंटरप्रेटेड इट, फॉर एग्जांपल। आई वाज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन सी कॉल्ड मी, मैं गाड़ी चला रहा था, I was driving to work when she called me। फिर she was eating dinner when I reached there। वह खा रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा। Formation of negative and interrogative sentence with past continuous। The negative form of the condition tense is formed by placing not after the auxiliary verb। तो इसमें है आपका, she was not supporting her mother in the kitchen। वह अपनी मम्मी को जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी किचन में, ठीक है, मदद नहीं कर रही थी, ये भी कह सकते हैं हम। और फिर इसमें, दे वर नॉट वर्किंग सीरियसली ऑन द असाइनमेंट। फिर है, अंकुर वॉज नॉट स्टडिंग इन द बोर्डिंग स्कूल। फिर क्वेश्चंस इन द कंटिन्यूस टेंस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द एक्सिलरी बिफोर द सब्जेक्ट। फिर Was she not supporting her mother in the kitchen? फिर were they not working seriously on the assignment? Was Ankur not studying in the boarding school? तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो है एक्सरसाइज है, ये आपको ये खुद करना है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ये वाला जो है पूरा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, पढ़ते हैं। When two past action are combined, the first action which was completed before the second one began is put into past perfect. For example, इसके she had completed her homework before she watched a film. फिर है, after she had left, I went for a bath. उसके बाद second है, the past perfect simple tense is used to go further back in time. When we are already talking about the past, it can make it clear that something had already happened and at the time we are talking about, for example, हमारे इसमें
बाय इवनिंग आई हैड रिवाइज्ड टू चैप्टर्स ऑफ द बुक. फिर ही हैड ऑलरेडी डन द कुकिंग बाय द टाइम हर फ्रेंड केम. फिर द पास्ट परफेक्ट सिंपल कैन बी यूज टू शो हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल ही हैड ऑलरेडी गॉन होम. फिर है इसमें नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं. तो इसमें है नेक्स्ट है आपका आई हैड विजिटेड द सिटी मैनी टाइम्स बिफोर. फिर इसमें थर्ड है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विशेस और ड्रीम्स एज इट इज एक्सटेंसली डिस्कस्ड इन द थर्ड कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल इसमें इफ आई हैड अ कैमरा आई वुड हैव कैप्चर सम फोटोग्राफ्स. फिर फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट निगेटिव और आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर हेड क्वेश्चन एंड फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग हेड बिफोर द सब्जेक्ट. तो इसमें एग्जाम्पल है वी हैड नॉट, तो यहाँ पे हम हैडन्ट भी यूज कर सकते हैं, बिगन आवर प्लान फॉर द पार्टी. फिर सी हैड नॉट हैडन्ट या हम फिनिश्ड हर वर्क व्हेन वी अराइव्ड. दे हैड नॉट, तो यहाँ पे हैडन्ट मीट हर व्हेन सी केम. यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके खुद करने हैं. ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं. उसके बाद है इसी में आपका जो है लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में द पास्ट परफेक्ट टेंस एज वी नो सो दैट वन पास्ट एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड और बिफोर सम पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम अराइव्ड. If the first action, however, was not completed before the second action happened, but was going on at the time, we use past perfect continuous tense. तो इसके example हैं, he had been watching a movie for 2 hours before I knocked the door. फिर इसी में second है आपका the past perfect continuous tense is used to talk about longer situation that continued up to the moment in the past we are talking about. तो इसमें है she was very tired when she arrived home. She had been working hard all day. फिर है Raj gave up smoking 2 years ago. He had been smoking for 20 years. फिर है he retired from the games. He had been playing tennis for 15 years. फिर है फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग हेड बिफोर द सब्जेक्ट. निगेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट बिटवीन हेड एंड बीन. फिर इसमें हैड दे बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग. फिर हैड सी बीन टीचिंग फ्रेंच ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स. इफ हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर लास्ट 1 month. She had not been doing any household work since she was operated. तो इसके बाद आपकी जो है कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज है, ये आपके खुद करने हैं. और यहाँ से आपकी जो है ये आपकी समरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो या सिंपल पास्ट, अगर आपको समझ ना हो तो यहाँ से देख सकते हैं सिंपल पास्ट का यूज कैसे करते हैं. उसके बाद यहाँ पे इनकी जो है की प्रोग्रेस है ये, और उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे भी सेम इसी प्रकार के हैं, तो आपको इनकी जो पिक्चर ले लेनी है और आपको जो है इनको देखना है एक एक बार. उसके बाद ये है पास्ट परफेक्ट के. उसके बाद आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और उसके बाद दोस्तों आपका जो ये यूनिट है वो खत्म होने जा रहा है. तो दोस्तों कल की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 कंडीशनल टेंसेस. तो इससे पहले वाली जो वीडियो है टेंसेस से रिलेटेड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, या इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी,
उस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपकी जो है वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।